चलिए इसका मतलब बता दीजिए। अब इसका मतलब समय लगेगा ना। अरे कुछ भी बता दीजिए आप, चलिए शुरू कर दीजिए। नहीं ना बताएंगे, आप जैसे मीडिया वाले हैं कुछ भी पूछेंगे तो ऐसे थोड़ी है कि बता देंगे। बैठेंगे तब। शंकर भगवान का कितना नाम होता है? बहुत से नाम है। कितना? अब वही तो बोले है, फिर एक ही नहीं बता पाएंगे, कुछ नहीं बताएंगे जब एक घंटा बाद मिली। सीता जी कहाँ की थी? और उतना समय नहीं है, आप नहीं बताएंगे। एक घंटा बाद आरती के भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हो गया, चलिए इसका मतलब बता दीजिए। अब इसका मतलब समय लगेगा ना। नाम बता दीजिए। अरुण कुमार तिवारी। त्रिपाठी जी। जी कितना समय लग जाएगा हमारे पास? बहुत जो भी समय लगेगा अब तो कोई बता नहीं सकते हैं। 10 मिनट अब सत कोट भी हो सकता है जल्दी। चंदन किसका आप लगाए हैं? हम महाकाल का तिलक लगाते हैं, बाबा भोलेनाथ का। बाबा भोलेनाथ। चलिए शिव तांडव बता दीजिए आप। अभी छोटा सा शिव तांडव तो नहीं है। अरे कुछ भी बता दीजिए आप, चलिए शुरू कर दीजिए। नहीं ना बताएंगे, आप जैसे मीडिया वाले हैं कुछ भी पूछेंगे तो ऐसे थोड़ी है कि बता देंगे। शिव तांडव कहने में आपको क्या शर्म लग रहा है? जो आप समझिए, हमको समझना नहीं है, लोग बाग देखेंगे आपको पता चलेगा। देखने दीजिए ना, हमको कोई फर्क नहीं है ऐसा। ये आरती कब से कब तक आप लोग दिखाते हैं? खिलवाड़ नहीं ना बनाते हैं। अयोध्या जैसी जगह पे है, कुछ पूछ देंगे और हम बोल देंगे। अयोध्या जैसी जगह पे है जी, आपको शिव तांडव हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बता नहीं पा रहे हैं। जो भी समझिए, इसमें हम थाली में देख रहे हैं सीताराम लिखा हुआ है। हाँ। राम जी जब प्रकट हुए थे तो क्या गाया गया था वही बता दीजिए। चलिए ऐसे नहीं बता पाएंगे हम, कुछ नहीं बताएंगे आपको। आपको आता है? आप अस्थिर बैठिए कहीं। अस्थिर ही तो हैं हम लोग। नहीं हम अस्थिर। आपको भी टाइम है? नहीं हमको टाइम नहीं है, हमको एक घंटा बाद मिली है। आपको टाइम क्यों नहीं है? नहीं है ना। क्यों? हम अभी तो देख रहे हैं हमारे सामने क्या है आरती। ये कहाँ की आरती है? ये यही आरती सरजू घाट पे होती है। सरजू घाट की ये आरती है जी। आप ही यहाँ के महंत हैं? नहीं पंडा। हम महंत नहीं है, पंडा। महंत कोई और है। आप क्या हैं? यहाँ पे बहुत पंडा है, हम भी पंडे हैं। आप पंडे हैं ना जी? तो पंडे हैं तो त्रिपाठी जी ये तो बता दीजिए। क्या बता दें? यही शिव तांडव बता दीजिए। आप एक घंटा बाद शिव तांडव बताएंगे? कुछ भी बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। बैठेंगे तब। शंकर भगवान का कितना नाम होता है? बहुत से नाम है। कितना? अब वही तो बोले हैं, फिर ये भी नहीं बता पाएंगे। कुछ नहीं बताएंगे जब एक ही शब्द में बोल दिया तो अब क्या बोले हम आपको। क्या बात, एक घंटा बाद हमसे मिली। कितने दिन हो गया है आपको यहाँ रहते हुए? हमको तो यहाँ तो छोड़िए, हम तो 25 साल से पूजा पाठ में है। पूजा पाठ अयोध्या में? अयोध्या। कितना दिन हो गया आपको? 1 साल से है। 1 साल से। शिव तांडव बताएंगे नहीं? अब जो बोलिए हमको कुछ नहीं है। शंकर भगवान का नाम कितना है? एक घंटा बाद बोली मिली हमसे। माता जी का कितना नाम है? अब आपको बताएंगे, एक घंटा बाद मिली। सीता जी कहाँ की थी? और उतना समय नहीं है, आप नहीं बताएंगे। एक घंटा बाद हम आरती के पैसे हम आपको देंगे, आप हमको सिर्फ इतना बता दीजिए बस। मान दीजिए ना। क्यों? अपनी श्रद्धा रखिए। श्रद्धा तो आप ही जैसे लोग। श्रद्धा नहीं है क्या चीज? ये कहीं भी भिड़ा दिए माइक और किसी से कोई पूछ लेंगे, ये हमारी श्रद्धा नहीं है। मतलब आपसे सही चीज भी ना, आपको लाखों लाख लोग देखेंगे, आप अगर ये नहीं बता पा रहे हैं। लोग जानते हैं, जो समझदार होगा कि आप कुछ भी फोटो में कथा अगर पूछ लेंगे, कुछ भी कथा नहीं पूछ लेंगे। चलिए आप जो फोटो रखिए वही बता दीजिए कौन कौन है। ये कथा का अर्थ नहीं फोटो होता में है। आप फोटो जिसका जिसका रखे हैं सबको पहचानते हैं? आपको समझ में आता है क्या चीज? एक घंटा बाद हमसे मिलिए आप। अभी जो आप फोटो लेके रखे हैं उनका नाम तो बता दीजिए। एक घंटा अभी टाइम नहीं है ना, क्या चीज तो काम में है। आपसे हम चलते चलते आपसे पूछ सकते हैं, आप बताते रहिए बस। एक घंटा इंतजार। एक घंटा नहीं, आप बता दीजिए आप फोटो किसका ले रखे हैं। अरे बता दीजिए। चलिए ये त्रिपाठी जी है, ये आए हुए है यहाँ घाट पे, ये लोगों से यहाँ आरती के भी पैसे लेते हैं। ऐसे ही लोग कहीं ना कहीं हिंदुत्व को सनातन को नाम से ही बदनाम करते हैं। यहाँ से बहुत दूर दूर से बाहर बाहर से भी लोग आते हैं। अगर ऐसे इनके जैसे लोग इस घाट पे होंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं है, जिसको जो मूर्ति वो रखे हैं उनको तक पहचानने की उनकी क्षमता नहीं है, तो आप लोग खुद ही समझ सकते हैं। आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज़ टीवी, मैं अमर मणि मिश्रा, कैमरामैन संदीप के साथ।